बिग फेम स्टार के कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया पटना ऑडिशन। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर हीरोइन में तीन क्वालिटीज होती हैं, इमोशनल, नखरे और मूडी। मैं कहता हूँ एक तो दिन भर डायरेक्टर की चिक चिक सुनो और घर में आओ तो फिर से वही कहानी। अचानक कल रात एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का नहीं दो निगाहों का। जब तुम दोनों गुटर करते हो ना, यहाँ जलता है मेरा। और आज बिग फेम स्टार की एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी है वाराणसी स्टेशन। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे शो में जिसका नाम आजकल हर बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान की जबान पर है। जी हाँ, बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। हाय विकास। हाय, क्या करते हैं आप? Basically, I'm an actor. Basically, you're an actor. So, where do you act? Auditions में, most probably अभी तक. विकास, क्या लेकर आए हैं आप? Basically, एक परेशान सा boyfriend है जो अपनी girlfriend से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है. So, he's fed up. अब वो अपना इजहार कर रहा है एक friend के सामने कि वो कितना परेशान हो चुका है. चलिए, शुरू हो जाते हैं. Problem ये है कि वो एक लड़की है. प्रॉब्लम यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सच में यार, आजकल ये मुंह खोलती है ना तो ऐसा लगता है कि इसके मुंह में कुछ ठूस दूं। आई हैव हैड इट ऑल। 6 महीने में ना सब कुछ देख लिया मैंने। कैसा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, कैसी खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद रह जाता है उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके पापा का बर्थडे, उसकी मम्मी का बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर। तो कभी तुम्हारा न्यू ईयर भी था। I'm telling you, happy women is a myth. Batman वाली को देख लो, जब तक वो Batman नहीं था तब तक तुम तो नकारा हो, नापुंसक हो, कुछ करते नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? जब Batman बन गया, तुम तो Batman बन गए, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ये सब ना ये कहानियों का दोष है। रेडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ। मतलब इसके आगे की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम। हकिया, चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग खत्म नहीं होती। पहले कर्टन्स आए, फिर क्वेश्चंस आए, फिर क्वेश्चंस कर्टन से मैच नहीं किए, दोबारा कर्टन्स आए। मांग इतने हो गए मेरे घर में कि अगर बेचने जाऊं तो मेरा महीने का खर्चा निकल आएगा। देखो, जो चीज लेने जाएंगी ना वो लेके नहीं आएंगी। 2 हफ्ते तक दिमाग खाएंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिताने के बाद एक तड़ी चप्पल उठा के ले आएंगी और फिर अगले 2 हफ्ते तक दिमाग खाएंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। Because you sound so frustrated, man. You had it all, really. No, I am very happy in my relationship. Seriously, I don't believe you. No, I am very happy. Because I quite liked your act. कहीं कहीं एक rawness है, लेकिन थोड़ा सा आधा पैसा नीचे से शुरू करते ना तो फिर ऊपर जाते वक्त थोड़ी क्लैरिटी। इतना बुरा हाल नहीं था, बट मैं सिर्फ कह रही हूँ एक 19-20। हाँ, तो जरा सा नीचे शुरू करते तो ऊपर जाते वक्त थोड़ी आसानी होती। आई क्वाइट लाइक्ड यू। पूरी स्पीच में जहाँ पे भी आपने चीखा चिल्लाया या फिर बहुत जोर से भी बोला, मुझे समझ सब कुछ आया। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई वर्ड जो है वो गलत निकला हो मुँह से या कुछ। तो आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद दैट एस्पेक्ट। क्या करें वरुण, आई क्वाइट लाइक हिम। Yeah, I would want to take him forward. Tell you that. Me too. चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। उनका नाम है ऋषभ राज। अरे एक मिनट यार, सर आज 1 तारीख है, सॉरी 5 तारीख है। थोड़ा सा सर अपने बारे में बताता हूँ। मैंने जो स्ट्रगल किया उसके लिए कुछ 3-4 लाइन्स लिखा हूँ। यहाँ नहीं बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा। हाँ, मैं कलाकार हूँ, क्या करोगे मेरी कहानी जानकर। हाँ, मैं वही हूँ जो रोज़ तुम्हें सड़कों पर दिखता हूँ, हाथ में झोला लटकाए, चेहरे पर शिकन, आँखों में एक आशा लिए, कभी तो किसी की नज़र मिल जाए और हमें भी अपना कला दिखाने का मौका मिल जाए। हाँ, मैं वही। समझ नहीं आता किस दिशा में जाऊँ, राह पकड़ लूँ एक या फिर दाहिने मुड़ जाऊँ। कहाँ है वो ठहराव, मिला यहाँ पर आज, कहाँ है वो ठहराव जहाँ कलाकार की बस्ती है, जहाँ कला बोलती है और सिर्फ कला हंसती है। अगर एक्ट करना है तो एक और स्टार्ट करता हूँ मैं, अपना एक एक्टिंग वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमसे बिना पूछे कर लिया था तो दूसरा भी शुरू कर ही दो। इट वॉज समर हॉट, समर हॉट,
एंड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. फिर वो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और फिर वो लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने. मैं उसके पास गया, पास नहीं यार, लड़कियों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है. पेरिस पे गया, इट वॉज रेनिंग. She was waiting for me. And then a perfect room. मैं तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी तुम उसे निकाल नहीं पाओ. Shouldn't listen. मैं तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी तुम उसे निकाल नहीं पाओगी. But she didn't listen. प्लीज मत जाओ. आई विल लव यू लाइक हेल. आई विल मेक योर लाइफ बेटर देन हेवन. प्लीज मत जाओ. प्लीज. और फिर तुम एक बड़ी अजीब सी कॉन्कॉक्शन हो, शाहरुख खान और इरफान खान की. सर एक अभी दिखाऊंगा तो अमिताभ बच्चन निकलेगा. नहीं चाहिए हमें. हमें ऋषभ राज चाहिए. ऋषभ. मैम ऋषभ राज ही है, लेकिन क्या है मैम कि छोटे शहर से हूँ, इतना देखा हूँ शाहरुख खान अमिताभ बच्चन, इतनी फिल्में देखा हूँ कि वो थोड़ा वक्त निकल जाए. उस वक्त लगेगा निकलने में ना, उनको बाहर हटा करके. कहाँ से हो? झारखंड. ओके. पहले आपकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे. परफॉर्म करते वक्त अब जो नेगेटिव है पहले वो बताती हूँ कि जब आप बोलते हैं ना तो आखिर का शब्द खा जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि लास्ट वर्ड. क्लैरिटी है आप में, लेकिन जब तक आप टेल एंड पे आते हो तो वो चबा जाते हो, वो अपने अंदर ही बोल देते हो, हमें सुनाई नहीं देता कि क्या कहा. बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया. एक खास बात है आप में, बाकी वरुण आपसे कहेंगे. जी सर. ऋषभ सबसे पहले तो ये कि जो सुर तुमने पकड़ा वो अच्छा था. जाहिर है उसमें जिस तरह से आप बोल रहे थे वो मुझे बिल्कुल नहीं खला. जो खली अगर एक चीज़ तो वो ये कि नेचुरल बनाने के चक्कर में आप पावर बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते. आपको अगर विस्पर करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुन उतना तो चाहिए कि लोगों तक पहुँचे. मन ही मन में एक्टिंग नहीं होती. चलिए कोई बात नहीं ऋषभ, आपके लिए इस वक्त कोई भी डिसीजन लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है. दो आई वुड से दैट यू हैव अ वेरी गुड फेस, अ वेरी गुड पर्सनालिटी. तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको स्टैंड बाय पे रखते हैं. वाराणसी शहर के युवा टैलेंट ने तो जजेस पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस तो इतनी मजेदार है कि जजेस अपना निर्णय लेना ही भूल गए. कॉमेडी चलेगा सर? तो थोड़ा क्या, पूरा चलेगा. कौन है? कौन है इधर? चोर चोर चोर, मेरा लाख रुपए का खजाना चोरी हो गया. चोर नहीं हूं सर. अरे भाई मोटा लड़के फट गए फट गए फट गए फट गए. ये वादियां जानती हो हमसे क्या कह रही है? आओ मेरी बाहों में. प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो. हेलो सर, थोड़ा गलत हो गया. कंटिन्यू. अपने तारीफ अपने उस. देखिए ना, घर की सारे लोगों की खबर लाके हम आपको देंगे बाबूजी. हमें अपने यहाँ रख लीजिए ना, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, खास आदमी बन के रहेंगे आपके. बताइए ना, हम ठीक लग रहे हैं आपको ना? मुझे राजपाल यादव नहीं चाहिए. थैंक यू सर.
बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, और अगली कंटेस्टेंट है हमारी रोशनी राजपूत। हाय रोशनी। हाय। आप आज क्या लेकर आई हैं? आज आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। रोहन, रोहन, आह, रोहन, रोहन। प्लीज प्लीज रोहन को रोक ले, माँ प्लीज रोहन को रोक ले। उसने मेरा अतीत नहीं देखा माँ, उसने मेरा अतीत नहीं देखा और मुझे अपनाया। माँ मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। रोशनी कुछ और दिखाएंगी, इससे बिल्कुल उल्टा। But it will, it won't go with the costume if I... That's okay. Don't worry. No problem. Roshni, thank you. रोशनी मुझे अभी बहुत कच्चापन नजर आ रहा है परफॉर्मेंस में। जो पहला था ना, पहला एक्ट, उसमें आपने सोचा मैं जितनी वेरिएशंस दे दूं एक लाइन बोलने में मैं वो दिखा दूं। आई टेल यू व्हाट हैपेंस। ओके। वो उतार चढ़ाव क्रिएट करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन आप हर फॉर्मूला, हर मतलब ये लाइन में मैं इस तरह से बोल दूंगी, नेक्स्ट लाइन में यहाँ बोल दूंगी, नेक्स्ट लाइन में ऊपर बोल दूंगी, नेक्स्ट में, अब बहुत टूटा टूटा सा लगा परफॉर्मेंस, बहुत कच्चा था। इट लुक्ड वेरी डिसजॉइंटेड। I don't know. I will just hold my decision. So we'll put you on standby. Thanks. बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, नाम है जितेंद्र बोहरा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं हूँ सर नैनीताल उत्तराखंड से। क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? सर मैं एक्ट भी करूंगा और डांस परफॉर्मेंस भी दूंगा। क्या? बिल्कुल। मैं पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं। मैं पूरे होशो हवास में हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में एक ही चीज खोजी, नाम, शोहरत, जिसके लिए घर बार छोड़ा, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, जिसके लिए दुनिया भर की जिल्लतें और मुसीबतें उठाई, लेकिन क्या आज तक शोहरत नहीं मिली? और ये मेरा आखिरी चांस है, आखिरी चांस। एक विख्यात फिल्मी नाटककार आज मेरे सामने खड़ा होगा, आज उसी के सामने अपने इस भेजे को गोली से उड़ाकर अपने इस छोटे से नाम को उसके बड़े से मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। और ये जनता, जिस जनता ने आज तक मुझे पूछा नहीं, इस जनता को मैं मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे नाम को पढ़े, सुने और बार बार दोहराए। कल के अखबारों में छापा जाएगा कहानी, सम्राट श्री किशोर आनंद जी के सामने एक नव युवक ने आत्महत्या कर डाली। नव युवक का नाम था राजेश्वर कुमार गुप्त। कल अखबारों में छपकर मेरा नाम देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। ओके जितेंद्र, थैंक यू, यू हैव शोन अस जस्ट इनफ, थैंक यू सो मच। जितेंद्र मुझे अच्छा लगा आपका, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ महसूस करके परफॉर्म किया। मुझे सिर्फ जितेंद्र जो एक्ट था जिसमें वो साइको राइटर था, स्पीच से साइकोटिक लग रहा था, मुझे लगता है फिजिकलिटी थोड़ी डिफरेंट की जा सकती थी उसकी। पर्सनली स्पीकिंग मैंने दोनों एक्ट जो देखे मुझे अच्छे लगे तुम्हारे दोनों एक्ट। तो जाना कहीं मत, हम चाहेंगे कि तुम इंतज़ार करो ताकि तुम्हारे बारे में हम जो भी निर्णय लें वो तुम सुनकर ही जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।